क्या नाम है आपका? हेमंत रहेजा। आज आप एसएसपी ऑफिस पर आए हैं, क्या मामला है इसके बारे में बताइए। 29 सितंबर को हमारे मोबाइल प्लैनेट न्यू मार्केट दुकान पर चोरी हुई थी, रात को लगभग 3-4 बजे के आसपास। दो दुकानें हैं हमारी और दोनों दुकानों पर चोरी हुई थी। लगभग 80 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन थे, जिसके लिए हमारे को उस समय पूरे प्रशासन की 24 से 48 घंटे में इस घटना को खोल दिया जाएगा। और आज लगभग 1 महीने से और 10 दिन हो चुके हैं, कोई किसी प्रकार का कोई भी सुराग नहीं मिला है। बल्कि हमने अभी कुछ एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखी, जिस पर ये एसपीसीडी साहब जानकारी दे रहे थे कि इसको घटना को खोल दिया गया है, लेकिन हमें ऐसा कुछ अभी तक पता ही नहीं है। मतलब मुझे बड़ी हैरानी है कि जो घटना खुल चुकी है उसकी मेन जानकारी नहीं दी गई हमारे को, ऐसा कैसे हो सकता है। हम एसएसपी साहब से ये निवेदन करने आए हैं कि कृपया इसके मामले को दें, हमारा बहुत ज़्यादा परेशानी में है, एक बड़ा अमाउंट हमारा चोरी में चला गया है और परिस्थिति ऐसी है कि इस टाइम हम बहुत बहुत बड़ी दिक्कत में आ गए हैं। विक्रांत सैनी, आज आप ऑफिस में आए हैं व्यापारियों के साथ, मोबाइल व्यापारी के साथ, क्या मामला है बताइए। सुमित त्यागी जी हैं, इनके यहाँ मोबाइल की चोरी जो दो दुकानों में हुई है, ये लगभग 50 दिन से आश्वासन के अलावा कुछ भी प्रशासन नहीं कर पा रहा है और झूठी सांत्वना दे रहे हैं कि भाई हमने अरेस्ट कर लिया है, पकड़ लिया है, मगर कुछ भी माल बरामदगी 1% भी नहीं है। जो भी चीज़ दिखाते हैं वो कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी हुई है ही नहीं। कहते हैं जी मोबाइल मिल गए, बिल्कुल भी 1% भी संतुष्ट नहीं है, सिर्फ झूठी सांत्वना के अलावा कुछ भी नहीं करते। नवयुग मार्केट में दूसरी चोरी हुई है अभी, एक बाबूराम कवाड़ी जी के यहाँ पे लगभग 2 करोड़ रुपए की चोरी है, वो भी उसमें कोई भी हाथ खाली हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप व्यापारी अब क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं जल्द से जल्द बरामदगी हो, और कोई बंदा अपनी सारी ज़िंदगी की पूंजी लगा के अपना कारोबार को अपना सेटअप किया, उसके बाद वो आज फिर धरातल पे हैं। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं चोरी ना खुलने में? प्रशासन की लापरवाहियाँ अत्यधिक हैं जी, बहुत ज़्यादा। सुमित त्यागी, आज आप एसएसपी ऑफिस पे आए हैं, क्या मामला है इसके बारे में बताइए। 29 तारीख को मेरे यहाँ चोरी हुई थी, दो मोबाइल दुकानों में, तो आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। लगभग कितना माल गया था आपको? लगभग 70-80 लाख। तो क्या चाहते हैं आप, किस लिए आए हैं? यही कि जल्द से जल्द खुलासा करें, माल की रिकवरी करें। एसपी सिटी साहब ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा था कि हमने खुलासा कर दिया, 7 लोग अरेस्ट कर दिए हैं, तो क्या ऐसा है? नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें माल जो बरामदगी दिखा रहे हैं वो हमारा नहीं है। आप पहले दिन से ये कह रहे हैं कि माल बरामदी की आपको चाहिए, हाँ। इसके बारे में क्या कहेंगे अधिकारियों से? अधिकारियों से ये कहेंगे जल्द से जल्द इसे खुलासा करें।